पहले छत्तीसगढ़ और फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने नए मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी है। दोनों ही राज्यों में नए चेहरों को मौका मिला है। अब तक जो कयास लगाए जा रहे थे वो सभी कयास फेल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री घोषित करके बीजेपी ने सबको चौंका दिया। अब बारी राजस्थान की है। क्या राजस्थान में भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह किसी नए चेहरे को मौका दिया जाएगा या फिर वसुंधरा राजे बाजी मारेंगी, ये आज पता चल जाएगा। जयपुर में आज विधायक दल की बैठक होनी है। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या राजस्थान में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा ही चौंकाने वाला कोई नाम सामने आएगा। राजस्थान में सीएम की रेस में वसुंधरा राजे के अलावा किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, सुनील बंसल, ओम बिरला, अश्विनी वैष्णव, बाबा बालकनाथ और दिया कुमारी का नाम चल रहा है। अब देखना होगा कि किसे सीएम की कुर्सी मिलती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए पार्टी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में 3 लोगों का पर्यवेक्षक दल बनाया है जो राजस्थान के विधायकों से बात करके मुख्यमंत्री का चुनाव करेगा। बता दें कि राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है वहीं कांग्रेस 69 सीटों पर सिमट कर रह गई। ऐसे में कहा जा रहा है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत कम मार्जिन से चुनाव में हार जीत हुई है, उसमें बीजेपी की संख्या ज्यादा है, कांग्रेस कम सीटों पर पीछे रही। इससे पहले गुजरात में भी बीजेपी सबको चौंका चुकी है। पार्टी ने पहली बार विधायक भूपेंद्र पटेल को 2021 में मुख्यमंत्री बनाया था। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी विरासत आनंदीबाई पटेल को मिली, लेकिन उनके भी राज्यपाल बनने के बाद मुख्यमंत्री का पद खाली हो गया। इसके बाद विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाया गया। अभी भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाकर लोगों को चौंकाया है, ऐसे में राजस्थान की जनता को संशय है कि कहीं इस बार राजस्थान में भी कोई ऐसा नया नाम सामने न आ जाए जिसके बारे में दूर दूर तक किसी को कोई अंदाजा ही ना हो। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।